हल्दी प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित कर इसके सपोर्ट में रहेंगे और मूल्य संवर्धन और निर्यात को बढ़ावा देंगे। धान पर, चावल पर 3100 रुपया MSP और हल्दी के लिए आवश्यक मार्केट इंटरवेंशन फंड हम प्रदान करेंगे, तो पूरा चावल एक दाना भी नहीं छूटेगा, पूरा धान 3100 रुपया प्रति क्विंटल हम परचेज करेंगे। इसके साथ साथ जाड़ा चावल जो होता है उसको KCR नहीं खरीदते हैं, भारत सरकार पर दबाव बना रहे हैं। हम वादा करते हैं कि बॉइल्ड राइस को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार MSP पर खरीद कर किसानों की मदद करेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त फसल बीमा का लाभ भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। उज्ज्वला लाभार्थियों को साल में 4 गैस सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। जो बेटी जन्म लेगी उसको इस वक्त एक फिक्स डिपॉजिट देंगे, जो 21 साल की आयु की जब बेटी होगी तब 2 लाख रुपए की होगी फिक्स डिपॉजिट। इस प्रकार का हम जन्म के साथ ही तोहफा हमारी सरकार की ओर से देंगे। स्नातक डिग्री या प्रोफेशनल कोर्सेज में छात्रों को मुफ्त में लैपटॉप दिया जाएगा। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को सिर्फ 1% ब्याज पे ऋण प्रदान किया जाएगा और UPSC की परीक्षाओं की तर्ज पर 6 महीने की पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से ग्रुप ए और बी की परीक्षाओं TSPSC के माध्यम से, तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से देंगे। हम वादा करते हैं ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होगा, एक भी पेपर लीक नहीं होगा और हम 5 साल में 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना सरकार करेगी। इच्छुक सीमांत किसानों को मुफ्त में देसी गाय देने का काम करेंगे, जिससे उनका जीवन सरलता से वो गुजार पाए। सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर के लिए प्रति परिवार 10 लाख रुपए का कवरेज हम इनको प्रदान करेंगे। कृष्णा के लिए, नदी के लिए पानी का उचित हिस्सा तेलंगाना को मिल पाए, इसलिए हम कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2 के समक्ष मामले का अच्छे तरीके से पेश भी करेंगे और तेलंगाना को अपना हक दिलाएंगे। प्रत्येक माह की 1 तारीख को कर्मचारियों को और सेवानिवृत्त लोगों को, रिटायर्ड लोगों को वेतन और पेंशन मिलेगा। KCR की सरकार की तरह राह नहीं देखनी पड़ेगी और भाजपा सरकार जो बनेगी वो तेलंगाना में UCC लाने के लिए, समान नागरिक संहिता लाने के लिए भी एक कमिटी बनाएगी, जो 6 माह के अंदर तेलंगाना के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगी। केंद्र और राज्य सरकार से के प्रयासों से बिना घर वाले सभी लोगों को समयबद्ध तरीके से हम घर उपलब्ध कराएंगे। गांव में गरीब लोगों को आवास स्थल के लिए पट्टे देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और वरिष्ठ नागरिकों को 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, तेलंगाना के सभी वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क अयोध्या की यात्रा की सुविधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और हमारे तेलंगाना के बहुत सारे NRI है और विशेषकर खाड़ी में बहुत सारे लोग बसते हैं, इनकी सुविधा के लिए और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करने के लिए एक फंक्शनल NRI मंत्रालय की रचना की जाएगी, जो दुनिया भर में बसे हुए तेलंगाना वासियों को सहायता प्रदान करेगा। और सबसे बड़ी बात, इट डबल